अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन 65 ग्रिल सैंडविच। इसके लिए हमें चाहिए टमाटो सॉस, मस्टर्ड सॉस, और फ्रूट चाट सॉस। ये तीनों को भी हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाने जा रही हूँ, तो इसके लिए हम ये तीनों सॉस को मिक्स कर देंगे अच्छे से। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही आसान कम समय में बन जाता है। जैसे मैंने बटर भी पिघला लिया है, ये बटर है। अब हम हर सैंडविच पे, मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ किया है, तो हर सैंडविच पे हम जैसे ब्रेड पे बटर यूज़ कर स्प्रेड कर लेंगे, क्योंकि जब ग्रिल करते हैं तो बटर लगाने पे अच्छा क्रिस्पी बनता है। ये जैसे चिकन 65 है, जैसे इसकी रेसिपी आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे चिकन 65 के बिल्कुल छोटे छोटे से हमने पीसेस कर लिए हैं। अब जैसे हम सॉस जो है हमारा सैंडविच पे स्प्रेड कर देंगे, दूसरे साइड जहाँ पे हमने बटर लगाया वहाँ पे नहीं, प्लेन साइड पे आप टमाटो सॉस स्प्रेड कर लीजिए। तीनों सॉसेस जो हमने मिक्सचर बनाया उसको स्प्रेड कर लीजिए। और अब हम इस पे लेंटस डाल लेंगे, कटी हुई, बारीक कटी हुई लेंटस। अगर आपके पास लेंटस नहीं है तो आप गोभी भी यूज़ कर सकते हो, गोभी, पत्ता, कैरेट, टमाटो, पर मैंने वो यूज़ नहीं किया है। अब जैसे हमने चिकन 65 के जो पीसेस कर लिए थे वो इस डाल देंगे सैंडविच पर, पूरा स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद हम चीज़ स्लाइस जो है मेरे पास, मैंने वो यूज़ किया है। और जैसे ग्रिल मशीन मैंने हॉट कर लिया है पहले, अब हम इस पे सैंडविच रख देंगे। और ये जो मैंने बटर लगाया था दूसरे साइड पे, इसको ऊपर तरफ रखेंगे, ये देखिए ऐसे। और अब इसे बंद कर देंगे और हल्के से प्रेस कर लीजिए। ये बिल्कुल 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे आपकी सैंडविच। जैसे मैंने और भी रेडी कर लिया है, ये देखिए, ये एक सैंडविच रेडी हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम चीज़ों में आसान तरीके से ये बन जाती है। जैसे मेरे पास चिकन 65 था तो मैंने उसका बना दिया। आप चाहो तो मटन का, खीमे का, या तरकारी का, चीज़ का भी बना सकते हो। ये देखिए मैंने दूसरी रख लिया है, जब तक ये बेक होता है, ग्रिल होता है, तब तक मैं आपको ये कट करके दिखा दूँगी। ये भी देखिए, ये भी बन चुकी है। अब एक और रख दूंगी मैं, क्योंकि मेरे पास आज कुछ लोग आने वाले, तो उन्हीं के लिए बना रहे हूँ जल्द से जल्द नाश्ता। बिल्कुल कम समय में बन जाता है और बहुत टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है। अब जैसे हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे क्रॉस में, ये देखिए कट करने पे कैसे दिखता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।